जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूं हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम हेल्दी अंगेस्तान में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाएं जिससे आप अपना जीवन स्वस्थ और निरोगी जी सके। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे होम हेल्थ केयर की, जिसके बारे में आपने कोविड के टाइम में बहुत सुना होगा, क्योंकि तब देखा गया था कि हॉस्पिटल में बेड्स इतने ज़्यादा भर गए थे कि लोगों को वहाँ पर जगह नहीं मिली। इसके चलते कई लोगों की जो मृत्यु हो गई और ऐसे में होम हेल्थ केयर की बात डॉक्टर्स ने करी। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर होम हेल्थ केयर में किस तरह से पेशेंट को ठीक किया जाता है और कैसे उसको किस तरह से उपचार यानी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील गर्ग, जो कि सीनियर क्रिटिकल केयर फिजिशियन एंड फाउंडर एंड MD हैं सैमन हेल्थ केयर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जिस तरह से आज हम बात करने वाले हैं होम हेल्थ केयर की, और देखा गया है कि जो इंडिया में जो है होम हेल्थ केयर तभी लोगों को बताया जाता है जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, और ऐसे में आज हम एग्जैक्टली बात करेंगे होम हेल्थ केयर की। तो मैं पहले यही जानना चाहूँगी कि आखिर होम हेल्थ केयर होता क्या है। बहुत ही अच्छा आपने अभी एक सेंटेंस बोला था पूजा जी, कि लोगों को इसके बारे में तब बताया जाता है जब पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। मैं खुद एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ, मेरा अपना एक 15 साल का एक्सपीरियंस है, एंड बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है। एकेडमिकली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है एंड वी आर नोन इन ऑल ओवर इंडिया आल्सो। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा गैप है, ये लोगों को जो होम हेल्थ केयर के बारे में बताना चाहिए वो तब बताना चाहिए जब पेशेंट इनिशियल, जब आपको इमरजेंसी देते हैं हम हॉस्पिटल में किसी में भी, और 2-4 घंटे के बाद वो पेशेंट ICU में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो 3-4 दिन के अंदर उसको इनिशियल स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, वो बड़ा आइडियल टाइम होता है पेशेंट को घर लाने का, क्योंकि उस टाइम में अगर हम पेशेंट को घर लेके आते हैं तो बहुत सारी जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड समस्याएं वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है हॉस्पिटल इन्फेक्शन की, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पैसों की। कोई भी अच्छा हॉस्पिटल आज की डेट में आपका 50-60-70 हज़ार रुपये से कम का एक दिन का चार्ज नहीं बनता। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है रिलेटिव्स की, उन बेचारों को ड्यूटी लगानी पड़ती है हॉस्पिटल में, कोई बंदा सुबह बैठा है, कोई शाम को बैठा है। एंड चौथी सबसे बड़ी समस्या आती है हमारी ओवरऑल पेशेंट रिकवरी की। पेशेंट को तो हमेशा यही लगता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कब ठीक होऊंगा, कब ठीक होऊंगा। सो होम हेल्थ केयर का आइडिया देना चाहिए बहुत ही इनिशियल अर्ली स्टेज में, तभी आपका पेशेंट घर आके बहुत अच्छी तरह ठीक हो। जी बिल्कुल सर, और आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर एक रखी कि किस तरह से अगर जो पेशेंट बीमार होता है और ऐसे में एक जो व्यक्ति होता है, एक रिलेटिव जो होता है उनका या फिर उनके फैमिली मेंबर जो होते हैं, वो घर पे उसकी देखभाल हॉस्पिटल में देखभाल करने के लिए होते हैं। नर्स तो होते ही हैं, लेकिन उनको भी रखा जाता है कि मेडिसिन ले आओ आप कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में अगर डॉक्टर जिस तरह से आपने बताया कि कैसे जो है मेंटली जो है वो हमेशा ये सोचता रहता है पेशेंट कि मैं कब ठीक होके घर जाऊँगा, और ऐसे में अगर जिस तरह से देखा जाए तो एक सवाल ये भी बनता है कि अगर पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है, ICU में है, और ऐसे में क्या आपकी जो सैमन हेल्थ केयर है वो ICU जो है घर में भी प्रोवाइड करता है? अगर करता है तो क्या और भी कंपनियां हैं मार्केट में जो इस तरह का ICU जो है वो घर पे भी प्रोवाइड करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है पूजा। तो बेसिकली जब होम हेल्थ केयर की बात आई तो होम हेल्थ केयर इंडिया में कोई नया नहीं है, एंड इनफैक्ट आप अमेरिका की बात करो, इंग्लैंड की बात करो या किसी और विदेशी कंट्री की बात करो, सब जगह होम हेल्थ केयर होती है। होम हेल्थ केयर के तरीके अलग हैं, किसी को कंपेनियनशिप चाहिए, कोई एल्डरली पेशेंट है, कोई किसी को नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ती है, किसी को अलग तरीके से ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंडिया में ये मार्केट बहुत अच्छा फ्लरिश हो रहा है अभी, एंड इसकी ज़रूरत भी है हमको। वो ज़रूरत इसलिए है बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत रिच नहीं है, एंड दे आर वैरायटी ऑफ पीपल। एंड होता क्या है कि जब पेशेंट आपका हॉस्पिटल में ICU में होता है, उसको घर लाने की एक ज़रूरत होती है, जो कमर्शियल कंपनी का तरीका काम करने का बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट तरीका है कि किसी ने आपको अप्रोच किया कि मेरे को अपना पेशेंट घर शिफ्ट कराना है, वो ये पूछते हैं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। दे आस्क फ्रॉम द पेशेंट कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक नर्स रख देता हूँ और एक इतने इंस्ट्रूमेंट रख देता हूँ। किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या था, क्यों एडमिट हुआ था, क्या इन्फेक्शन हुआ हॉस्पिटल में, कौन सी एंटीबायोटिक लगी उसको, अभी मेरी प्लानिंग क्या रहेगी, मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द कमर्शियल कंपनी। ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत सारी कमर्शियल कंपनी मार्केट में काम कर रही है। सैमन हेल्थ केयर में हमने पहली बार, मतलब मेरा रीज़न ही यही था, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को 9 या 10 साल सब करने के बाद मैंने छोड़ा बिकॉज आई वॉज फाइंडिंग अ गैप।
तो हमने जो कंपनी बनाई वो हमारी कंपनी एक डॉक्टर ड्रिवन कंपनी है, जिसमें काफ़ी सारे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर और इमरजेंसी फिजिशियंस डॉक्टर्स हैं, मल्टीपल क्रिटिकल केयर नर्सेज हैं। हमारे पास जब भी कोई कॉल आती है, हम सबसे पहले पेशेंट का पता लगाने के लिए एक सीनियर नर्स की विजिट कराते हैं। 3 पेज का एक पूरा फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल केयर असेसमेंट शीट। पूरा डेटा हमारे पास टीम के पास जब ऑफिस में आता है तो हम उसको स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पर हम एक शिफ्टिंग प्रिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट बनाते हैं। उसमें हर चीज़ मेंशन होती है, पेशेंट की हाइट, वजन, एज क्या है, एंड क्या क्या उसको कोमोबिलिटीज़ थी, क्या क्या दवाइयाँ पहले से लेता था पेशेंट, अभी किस करके पेशेंट एडमिट हुआ, कौन सी डेट को एडमिट हुआ, हॉस्पिटल में क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहा, क्या कोई ऑपरेशन हुआ, कितने इन्फेक्शन हुए, कितनी एंटीबायोटिक्स मिली। उसके बाद हम लोग एक फ्यूचर प्लान बना के उस पेशेंट को भेज देते हैं, फिर हम उनसे कंसेंट लेते हैं, फिर हम वेंटिलेटर पेशेंट के हॉस्पिटल में भेजते हैं और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट पेशेंट के घर पर भेजते हैं। सो हमारा काम करने का तरीका एक बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए वी आर वेरी मच सक्सेसफुल। इसमें हमने एक चीज़ और ऐड करी है पूजा, अभी वो चीज़ क्या किया हमने, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने अभी डिजिटाइज कर दिया, पेपरलेस बना दिया इस सिस्टम को। आज की डेट में हम किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल की बात करें, इवन दिल्ली NCR की, हार्डली 4 या 5 हॉस्पिटल हैं जो काम करते हैं डिजिटल मॉडल पे, जिसको हम बोलते हैं ERP सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम। होम हेल्थ केयर में और ICU केयर एट होम में वी आर द फर्स्ट इन इंडिया हु ब्रॉट दिस सिस्टम। दिस इज कम्प्लीटली पेपरलेस एंड वी हैव मेड अ कमांड सेंटर इन शक्तिनगर दिल्ली, जहाँ पे 24/7 सीनियर क्रिटिकल केयर नर्स बैठती है। सारा डेटा पेशेंट का हमारे पास स्टोर रहता है, एवरीथिंग वी डू इन क्रिटिकल केयर दैट डिजिटल। जी सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि अगर कोई पेशेंट है वो आपके पास आया है और उसको किसी तरह की बीमारी है, तो ऐसे में क्या आप उसको कितनी देर विजुअल रखते हैं, मतलब कितनी देर उसकी देखभाल करते हैं? अगर उसको ज़रूरत है 1 महीने के अंदर वो पूरा पेशेंट जो है वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी क्या आप उसका ध्यान रखते हैं? उसको नॉर्मली जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट दिखाता है किसी डॉक्टर को, तो डॉक्टर के पास बताया जाता है कि आप 1 महीने में हमारे पास आइए, या उसको डेट बताई जाती है कि आके अपना टेस्ट जो है वो रेगुलरली आपको करवाना है। तो क्या आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो उनको भी आप इसी तरह उनको अपनी विजिबिलिटी में रखते हैं? नहीं, जब हमारा पेशेंट शिफ्ट होता है घर पे तो हमारा मॉडल एकदम डिफरेंट है। मोस्टली हम लोग जो पेशेंट लेते हैं घर पे वो क्रिटिकल पेशेंट लेते हैं, जो पेशेंट्स की ट्रकियोस्मी होती है, वेंटिलेटर पे होते हैं, या कुछ BP कम होता है उनका, BP बढ़ाने की दवाइयाँ होती हैं, यूरिन आउटपुट नहीं होता तो डायलिसिस पे होते हैं, उनमें हम 2 नर्सें अपनी एक साथ रखते हैं। सो 1 नर्स फॉर 2 पेशेंट। ये मॉडल कहीं पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है कि एक नर्स दो नर्स एक पेशेंट को देख रही है। फिजियोथेरेपिस्ट हमारा एक विजिट में 45 मिनट्स देता है एक पेशेंट को, और हम 24/7 पेशेंट के टच में रहते हैं अपने कमांड सेंटर के थ्रू। अब उस पेशेंट को जब भी किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम डॉक्टर को घर पर भेजते हैं फॉर डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन। डेटा हमारे पास सारा हमारा आता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, एंड वो पेशेंट जब ठीक होता है, किसी पेशेंट को ठीक होने में 1 महीना लगता है, किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीना। एक मैंने अपना एक एक्सपीरियंस निकाला है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में जितना लंबा रहेगा उसका रिकवरी टाइम उतना ही लंबा घर पे रहेगा। वो पेशेंट इतनी बुरी तरह टूट जाता है, इतना बुरी तरह कमज़ोर हो जाता है, इतने सारे उसको बेड सोर हो जाते हैं पेशेंट को, कि उसकी रिकवरी में हमको उससे डबल और ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है पूरी तरह, तो मैं बड़ा पक्का सा श्योर हूँ वो कभी लौट के हॉस्पिटल नहीं जाता। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो पेशेंट हमें ही फ़ोन करता है। हम अपना OPD भी है, डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, इमेजिंग सेंटर भी है, वी ट्रीट दैट पेशेंट लाइक ए फैमिली। जी बिल्कुल सर, आपने बताया कि किस तरह से आपकी 2 नर्स जो हैं वो पेशेंट का देखभाल करती हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि अगर देखा गया है कि होम हेल्थ केयर में अगर कोई नर्स आती हैं तो बहुत सारी जगह ऐसा मतलब देखा गया, और आम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि जो नर्स है वो कितने आवर्स रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज अगर प्रोवाइड कर रही हैं होम हेल्थ केयर तो वहाँ पर वो नर्स जो है सिर्फ 8 घंटे रहती है, 12 घंटे रखती हैं और अपनी ड्यूटी करके वो चली जाती है पेशेंट को देख के, और उस टाइम उसके बाद जो है वो फैमिली मेंबर ही देखते हैं कि क्या दवाई देनी है, क्या मेडिसिन देनी है। क्या आपके यहाँ पर इसी तरह का सेम आप फॉलो करते हैं, या जो नर्स है वो ज़्यादा टाइम तक पेशेंट के पास रहती है? हम कभी भी, या हमारा पेशेंट एक नॉर्मल भी हो या क्रिटिकली इल पेशेंट हो, हम कभी भी नर्स को 8 या 12 घंटे के लिए नहीं रखते। ये मेरा पहला रूल है। जो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि सर हमें आप 12 घंटे की नर्स या 8 घंटे की नर्स रखवा दो, हम बोलते हैं आप गलत मॉडल में जा रहे हैं। नर्स हमेशा 24 घंटे की होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट आपका कितना सिक है। अगर पेशेंट सिक नहीं है, एक नर्स बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होती है आपके लिए 24 आवर्स वहाँ रुकने के लिए।
क्योंकि जब वो रेस्ट लेती है तो फैमिली मेम्बर प्लेज अ रोल ऑफ नर्स एट दैट टाइम, ओके। एंड अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक होता है तो हम दो नर्सों को राउंड द क्लॉक रखते हैं 24 घंटे पेशेंट के घर पे। जब पहली नर्स रेस्ट ले रही होती है या दूसरी नर्स रेस्ट ले रही होती है, बट इमरजेंसी के केस में क्या होता है कि दोनों नर्सें उठ के साथ आ जाती हैं, वो 1+1=11 हो जाती हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है कि कभी भी 12 घंटे की 8 घंटे की नर्स मत लगाओ, आप 24 आवर्स की नर्स लगाओ, तभी पेशेंट की रिकवरी पाए। जी, और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि घर पे किस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि किस तरह से आप देखभाल करते हैं पेशेंट की, और पेशेंट जो है जल्दी से रिकवर भी होता है, ऐसे में एज जब वो हॉस्पिटल में जितने टाइम में रिकवर होता है इतना ही घर पे होता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर घर पे हैं तो कई लोगों के घर जो हैं, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में लोगों के घर छोटे होते हैं और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और ऐसे में जो इन्फेक्शन का खतरा होता है अगर देखा जाए तो वो बढ़ जाता है पेशेंट टू जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन पे, या फिर उनसे किसी और तरह का खतरा जो है वो पेशेंट पे हो जाता है। क्या इस तरह से इन्फेक्शन को लेकर भी लोगों के मन में जो सवाल है उसमें किसी तरह का बदलाव आना चाहिए? पूजा जी, आपने पहला ये अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले बीच में बोला था रिकवरी टाइम की बात जी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, नॉट एज ए कमर्शियल पर्पज और नॉट एनी अदर पर्पज, मैं खुद एक 15-16 साल का क्रिटिकल करके एक्सपीरियंस से आपको यह बात बता रहा हूँ। हॉस्पिटल की रिकवरी और घर की रिकवरी में 19-20 का फर्क नहीं है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। होम इज़ द प्लेस वेयर हीलिंग हैपन्स फास्ट। घर एक इतनी सुंदर जगह है कि अगर आपको पेशेंट को ठीक करना है तो उसको आपको जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा हॉस्पिटल से, नंबर वन सवाल। दूसरा सवाल जो आपने बोला इन्फेक्शन का खतरा जो घर पे बढ़ता है, वो बिल्कुल ही मेरे को लग रहा है एक मिजनोमर है, बिल्कुल ही उल्टा है। हॉस्पिटल एक बेसिकली हम बोलते हैं गढ़ है इन्फेक्शन का, जिसको हम जिसके लिए टर्म है पूरे वर्ल्ड में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और HAI, जिसमें कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस एंड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, चार तरह के इन्फेक्शंस हैं पूरे वर्ल्ड में इसका डेटा है। और वो इन्फेक्शंस कैसे होते हैं, आज की डेट में जब हम छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं, छोटे आईसीयू में, तो वो हमसे बोलते हैं आप अपने जूते जो है बाहर उतार के आइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अमेरिका में भी स्टडी हो रखी है कि जूते पहन के अंदर आने से कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता आईसीयू के अंदर, इन्फेक्शन होता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को, क्योंकि ये जो बक्स हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बक्स होते हैं और इनमें इन्फेक्शंस फैलता है हमेशा एक मरीज से दूसरे मरीज में। आपने अगर नर्स ने आपकी ने हैंड वॉश नहीं किए और एक मरीज को दूसरे मरीज से इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अब घर पे क्या होता है कि घर पे कोई भी पेशेंट आपके सराउंडिंग्स में लेटा हुआ नहीं है, आप अकेले पेशेंट हो, तो इन्फेक्शन का खतरा ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल खतरा। एंड टॉप ऑफ दैट मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि फैमिली मेम्बर को मत घुसने दो, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर को पेशेंट के साथ रखो, उसकी रिकवरी फास्ट होगी और कोई फैमिली मेम्बर इन्फेक्शन नहीं देता दूसरे फैमिली मेम्बर को। नंबर दूसरा सवाल मेरे से पेशेंट के अटेंडेंट ये पूछते हैं कि सर क्या इस पेशेंट से हमको इन्फेक्शन हो सकता है, तब भी मैं कहूँगा नहीं। इन्फेक्शन उस पेशेंट को जो इन्फेक्शन है जिसके साथ हम पेशेंट को हॉस्पिटल से लेके आए हैं, वो उन्हीं पेशेंट को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है पेशेंट जो इन्फेक्शन बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हों या जो बहुत ही मतलब ख़राब हालत में हो, तभी, अदरवाइज कोई खतरा नहीं। जी बिल्कुल, अब आपने बात करी कि इन्फेक्शन की, तो कोरोना टाइम पे तो अगर देखा जाए सर कि जिस तरह से जो हेल्थ आप होम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो ये तक बोल दिया गया था कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे मत जाइए, तो कोरोना टाइम पे भी आपने कई सारे पेशेंट्स को देखा होगा, उनको ठीक किया होगा, तो ऐसे में क्या उस वक्त भी ऐसा होता है, क्योंकि उस वक्त तो डॉक्टर्स भी PPE किट पहन के ही पेशेंट को देखते थे, तो ऐसे में क्या जो है वो कोरोना के वक्त भी आप पेशेंट को घर पे ही देखते थे? कोरोना वाला इन्फेक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट इन्फेक्शन था, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर एयरबॉर्न इन्फेक्शन बोलते हैं। और जिस पेशेंट को हम आईसीयू से घर पे लेके आते हैं वो इन्फेक्शन होता है बेसिकली फोमाइट बेस्ड इन्फेक्शन, जैसे उसको बोलते हैं हम टच के साथ फैलने वाला इन्फेक्शन। सो कोविड वाला इन्फेक्शन बिल्कुल डिफरेंट था, इसलिए जो पेशेंट घर पे थे उनको हमने आइसोलेट कर दिया था एक कमरे के अंदर, उस कमरे में बाकी कोई अलाउ नहीं होता था फैमिली मेंबर, उसको हमको एक आइसोलेशन पीरियड देना पड़ता था। ग्रेजुअली वो आइसोलेशन पीरियड कम हुआ, थर्ड वेव में तो उसको हमने 5 दिन का ही कर दिया आइसोलेशन पीरियड को। उसमें जो हमारी नर्स जाती थी वो PPE किट पहन के पेशेंट के अंदर जाके मेडिसिन इंजेक्ट करती थी, और उसका जो डेटा है वो डेटा हम पेशेंट से लेते थे थ्रू फ़ोन, थ्रू व्हाट्सएप उस समय, और इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। सेकेंड वेव जो डिजेस्ट्रस वेव मानी गई थी पूरे वर्ल्ड में,
उस वेव में हमने 5000 मरीजों को बचाया। 5000 मरीजों के तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन बनाए थे जिसमें मेरी एवरेज नींद थी 3 घंटा पर डे की, डेढ़ महीने की। डेढ़ महीने हमको नहाने धोने का कोई टाइम नहीं मिला, हमने पता नहीं किस टेबल पे बैठ के काम किया था। और जिस पेशेंट का सेचुरेशन 70% 75% 80% था, बहुत ही ब्यूटीफुली घर पे ट्रीट हुए, बहुत ही ब्यूटीफुली हमने उनको निकाला। किसी पेशेंट को हमने हॉस्पिटल एडमिट नहीं कराया और कोई भी हमने एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं दी। हमने सिर्फ 2 दवाइयाँ यूज़ करी, एक ऑक्सीजन और एक स्टेरॉइड, नथिंग एल्स। बिल्कुल सर, और किसी भी तरह को तरीके से अगर आप देखा जाए तो होम हेल्थ केयर को आप जिस तरह से बता रहे हैं इसके एडवांटेज के क्या क्या, किस तरह से रिकवरी जल्दी होती है या इन्फेक्शन का खतरा जो है वो घर पे ही कम होता है। अक्सर लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, वो जल्दी से हॉस्पिटल लेके भागना चाहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी क्या कि होम हेल्थ केयर की भी कोई डिसएडवांटेज है। बिल्कुल, सो बेसिकली प्रो एंड कॉन बोलते हैं इसको हम, तो मैंने आपको बहुत सारे प्रो बताए हैं अभी हॉस्पिटल्स के। हम कॉन की बात करें तो देखो, अगर हॉस्पिटल में हमें ट्रबल तब आती है पूजा जी, जब आपकी नर्सेज एक तो एजुकेटेड ना हो। आज की डेट में मैं इंडिया की बात करूं तो 1000 नर्सिंग कॉलेज खुले हुए हैं इंडिया के अंदर, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछो तो बहुत सारी नर्सेज तो ऐसी हैं जिसको कि ऑक्सीजन भी लिखना नहीं आता या SpO2 भी लिखना नहीं आता। तो हमने क्या किया, हमें पता था एक बहुत बड़ा गैप है और इस सिस्टम में अगर आपको आना है तो उस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। हमने खुद की अपनी डॉक्टर गर्ग्स क्रिटिकल केयर अकेडमी बनाई, एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया, एडवांस होम हेल्थ केयर सपोर्ट कोर्स। वो कोर्स बनाया हमने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ मिलके, और उस कोर्स में हमने इतना सारा डेटा और इतनी सारी चीज़ें डाल दी कि हर चीज़ हमारी बहुत ही सॉर्टेड आउट हो गई। हमारी हर नर्स ACLS और BLS होती है, सो इमरजेंसी हम लोग डील कर सकते हैं। सो कौन मैं बात करूँगा, सिर्फ एक ही कौन है, कोई बहुत ही ग्रेव इमरजेंसी कभी आ जाती है जिसके लिए कि हॉस्पिटल इज़ द ओनली प्लेस, इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट। तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया है कि 24/7 एम्बुलेंस रखी है अपनी, एंड द रीच टाइम, बल्कि मैं कहता हूँ बहुत शॉर्ट रीच टाइम है। अगर मैं बात करूँ आज किसी पेशेंट की जिसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, इट विल टेक 1 आवर। हम लोगों का रीच टाइम 15 से 20 मिनट का या एम्बुलेंस पहुँचाने का। तो एक वही कौन मेरे को समझ आता है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने जिस तरह से बताया कि किस तरह से जो है वो आप नर्सेज को ट्रेन करते हैं और इस ऐसे में वो किसी भी पेशेंट को परेशान नहीं होने देते। लेकिन बात करें अगर सर, जिस तरह से अगर हम किसी पेशेंट को देख रहे हैं और हॉस्पिटल में ऐसा रहता है, इसीलिए लोग हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं पेशेंट को, क्योंकि अगर पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है और उसको किसी भी तरह की कभी भी कोई इंजेक्शन या दवाई या मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है या डॉक्टर जो है 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर हम घर की बात करें तो वहाँ पे नर्सेज होती हैं। हालांकि आप बता रहे हैं कि किस तरह से डिजिटली आप पेशेंट को देखते हैं 24 आवर्स, लेकिन अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी हो गई या किसी तरह का इंजेक्शन या मेडिसिन की ज़रूरत हो पड़ सकती है, तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है पूजा जी। ये बेसिकली एक डिफरेंस है कमर्शियल कंपनी में और हमारे अंदर। मैं खुद एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ, मैंने एक इमरजेंसी ड्रग की लिस्ट बनाई, एक 20 ड्रग की लिस्ट है मेरी, 113 कंज्यूमर्स हैं उस लिस्ट में मेरी में, और पेशेंट मेरे पास आता है एक बहुत ही नॉर्मल सा पेशेंट जिसको कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं उस पेशेंट के अटेंडेंट को बुलाता हूँ ऑफिस में, उसको बताता हूँ पहले कि मैं इनके यहाँ ये 20 दवाइयाँ भेजूँगा इमरजेंसी में और इतने कंज्यूमर्स भेजूँगा। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ज़रूरत नहीं है मेरे को। मैं कहता हूँ आपको नहीं है, मेरे को ज़रूरत है, आप इसके पैसे मत देना मेरे को, नहीं काम आएंगे, लौट के आ जाएंगे मेरे पास। आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ हमारे साथ कि रात को 2 बजे किसी पेशेंट का BP ड्रॉप हो गया हो या सीजर हो गया हो और वो दवाई मेरे उसमें नहीं मिली हो आइटम्स में। तो हमने इसको कोपअप ऐसे किया कि हमको पता है कि क्या क्या इमरजेंसीज आ सकती हैं। अगर आपकी नर्स आप जो प्रिस्क्राइब कर रहे हो उसको डिस्पेंस कर सकती है और आपके पास अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज है, अब बात करते हैं कि एक्सपेंस की, क्योंकि लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर 2 नर्सेज हमारे घर में हैं, ये डॉक्टर हमें 24 आवर्स जो है वो देख रहा है, तो कितना खर्चा आएगा। हालांकि बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो वहाँ पर लोगों को हालांकि नहीं पता होता कि एक एक चीज़ का पैसा लिया जाता है। अगर उन्हें खाना दिया जा रहा है या किसी भी तरह की फैसिलिटी दी जा रही है तो हर चीज़ का पैसा लिया जाता है, लेकिन अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो इस होम हेल्थ केयर में जो आपके साइमन हेल्थ केयर देख रहा है उसमें कितना एक्सपेंस आ जाता है? मैं आज की डेट में किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल की बात करता हूँ, अच्छा कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, अगर कोई पेशेंट ICU में है, वेंटिलेटर पे है, BP कम है उसका, BP बढ़ाने की दवाइयों पे है या डायलिसिस भी चल रहा है उसको, एंटीबायोटिक्स भी जा रही हैं, बड़ी सारी दवाइयाँ, मेरे को नहीं लगता उसका बिल 70,000 रुपये पर डे या 60,000 या 80,000 रुपये से कम का बनता है पर डे का। अब मैं बात करता हूँ Tier 2 ICUs की।
आप जैसे कि थोड़ा सा सबब में चले जाइए, आप रोहिणी और भवाना की तरफ या छोटी जगह की तरफ चले जाइए, वहाँ भी किसी भी आईसीयू का खर्चा 10-15-20 हज़ार रुपये पर डे से कम का नहीं आता। ये बिल्कुल ही एक छोटा खर्चा है। या मैं टीयर टू और टीयर थ्री सिटी की बात करूँगा, आगरा, बरेली और इधर आप प्लेसेस में चले जाओ, तो यहाँ भी एक एवरेज खर्चा जो मेरे फ्रेंड्स बताते हैं वो 10-1 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा आता। अब उस 10 हज़ार रुपये में आपको एक नर्स मिलती है जो कि 4 पेशेंट को देखती है, जिसमें से 3 घंटा वो नोट्स डालती है और 3 घंटा 4 पेशेंट्स, मतलब टोटली ऑन एन एवरेज 30 मिनट एक पेशेंट को मिल रहा है। एक फिजियोथेरेपिस्ट देखता है 10 पेशेंट को 30 मिनट्स ईच, टोटल 300 मिनट्स फॉर दैट पेशेंट, एंड यू आर स्पेंडिंग इन लोएस्ट सिचुएशन आपके 10 हज़ार रुपये का खर्चा है। मैं कह रहा हूँ मैं आईसीयू पूरा का पूरा आपको 10 हज़ार में बना के देता हूँ घर पे, जिसमें 2 नर्सें राउंड द क्लॉक आपके पास रहेंगी, एक थेरेपिस्ट सुबह और शाम आपके घर पे आएगा, सारे इक्विपमेंट आपके घर पे लगेंगे, वेंटिलेटर, बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ आपके घर पर रहेंगी, 24/7 डिजिटल मॉनिटरिंग रहेंगी पेशेंट की, व्हाट एल्स यू नीड। बिल्कुल, क्या चाहिए आपको इसके अलावा, क्या कर आपका पेशेंट और आपका परिवार वाला जो है वो ठीक हो जाए। एक आखिरी सवाल जो है सर, किस तरह से आप इंडिया में इसका फ्यूचर देख रहे हैं कि होम हेल्थ केयर जो है इंडिया में आगे आगे जो है इसका जो अगर देखा जाए तो ये बढ़ेगा? अभी मैं आपको बताता हूँ, एक रिसेंट रिपोर्ट आई है रोजनीर की, अभी हमारा जो होम हेल्थ केयर मार्केट है वो करीब $5 बिलियन पे प्ले कर रहा है इंडिया में 2022। The report says that this market is going to hit by 11 to 15 billion dollar by 2025. So it is growing by roughly 15-19% almost per year. And we are expecting a boom in this hospital, in this care, and the biggest company, I'll not quote the name, which is actually they are the leader of India, and they are in different business, they are coming into home health care. But the only thing is doing this home healthcare is a challenging job and you have to have a leader in your team. So, जब तक critical care का doctor आपके साथ नहीं है, आप home healthcare और critical care at home नहीं कर सकते। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कुछ हमारे दर्शकों को बताया। एक आखिरी मैसेज आप जो दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अभी ये बेसिकली जिसका पेशेंट कभी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर आगे से बढ़ के उसको ना होम हेल्थ केयर की एडवाइस नहीं देते हैं। सो आपको इस चीज़ की एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा घर पे भी हम किसी पेशेंट का इलाज करा सकते हैं और उसकी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं, मतलब एक उसको घर जैसा एनवायरनमेंट देके कम पैसों में फास्ट रिकवरी, आपको और क्या चाहिए। सो यू शुड आस्क, अगर आपका कोई भी पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, आपको अपने डॉक्टर को ये बोलना चाहिए कि डॉक्टर साहब क्या मेरा पेशेंट घर जा सकता है अगर हमारे पास कोई सुविधा है तो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर सुनील गर्ग, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपका घर में जो पेशेंट है वो ठीक हो सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में उनको रिकवरी मिल रही है उससे ज़्यादा उन्हें घर में मिलती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर घर में कोई पेशेंट है तो वो जल्दी ठीक होता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल। तो हम अगली बार फिर आपके साथ नए कार्यक्रम में नई बीमारी के बारे में बात करेंगे, साथ ही उसके उपचार और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए आदिनाथ TV चैनल। जय जिनेंद्र।